एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एटीएम व्लॉग्स। और मैं हूं आपका प्यारा दोस्त अंकुश त्योल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, गरम गरम आग जो है वो जग गई है और चूल्हा जो है हमारा बिल्कुल तैयार है। तो आज का व्लॉग जो होगा वो रिलेटेड होगा, हम बताएंगे कि मक्की की रोटी चूल्हे पर कैसे बनाते हैं। तो लेट्स चैट। आटा मक्की का हम गूंद रहे हैं, आज हम मक्की की रोटी खाएंगे। तो मैं बताऊंगा आपको कैसे मक्की का आटा गूंथते हैं। तो देखो, ये मेरी मम्मी जो है वो मक्की की रोटी बना रही है। मम्मी से हेलो। हाय हाय हाय, मॉडर्न मम्मी मेरी। तो ये जो है मक्की का आटा जो है थोड़ा थोड़ा कर कर गूंथते हैं, गेहूं के आटे की तरह नहीं गूना जाता इसे। तो देखो इसे जो है कैसे गूंद रहे हैं इसका आटा। जो देखिए गाइस, ये गूंद रहे हैं मक्की का आटा। मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करूंगा ये, क्योंकि इसमें ये चीज़ पता होना है कि कितना हमें उसे कैसे गूंदना है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी उनके लिए कि जो मक्की की रोटी नहीं बनाना जानते या फिर आटा गूंदना नहीं आता। तो इसमें बिल्कुल जो है थोड़ा थोड़ा पानी लेके और आधा आधा आटा, देखो आधा आटा साइड में रखा हुआ है, उसे बाद में गूंदेंगे। और इसे इस तरह से जो है गूंदा जाता है, इसे तोड़कर एक बार साइड से तोड़कर, फिर जोड़कर, फिर तोड़कर, फिर जोड़कर, इस तरह से इसे गूंदा जाता है। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट बन जाता है बहुत जल्दी। अब इसमें ऐसे कुछ भी वो नहीं करना पड़ता, ज़्यादा नहीं, इसे ऐसे मसलते रहेंगे फिर ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए गाइस, ये ऐसे आटा जो है वो मसल कर तैयार कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा पानी लगाएंगे हाथों में, इस तरह से पानी लगाएंगे हाथों में। ये देखिए, ऐसे पूरे हाथ में पानी लगा दिया। अब ऐसे फिर से इसे मसलेंगे दोनों। तो ये अब इतनी से पेड़ा दिखाएंगे, ये इतना सा पेड़ा एक रोटी के लिए लिया है। अब इसे इस तरह से जो आपको बेलना है, इसमें चकले बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसे हाथ से ही रोल करना पड़ता है। तो देखिए गाइस, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के कितनी परफेक्ट शेप, और ऐसे पानी के साथ पानी लगाते हुए दोनों हाथों में, वो देखिए गाइस, इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से। इसको प्रेस नहीं करना है ज़्यादा, ताकि ये अगर हम प्रेस जोर लगा के करेंगे तो ये टूट जाएगी गाइस। तो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से अभी से ऐसे ऐसे फैलाते जाना है, बड़ा करते जाना है गाइस। तो देखिए ये कैसे इसे बड़ा कर रहे हैं। तो इसे हम पतला भी बेल सकते हैं, कभी हम मोटा भी कोई वो करते हैं। तो गाइस ये जो है पतली पतली इसे बेला जा रहा है, पतला पतला हम जो है इसे वो कर रहे हैं। और ये हमारी आग चूल्हे में जग गई हुई है, ये रख दिया चूल्हे के ऊपर मक्की की रोटी। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये कितनी गोल बनी है। तो ये हमारा चूल्हा है, तो जब तक ये पकेगी, जब तक हम जो है एक दूसरी मक्की फिर से, अब देखिए थोड़ा सा आटा और ले लिया हुआ है मम्मी ने, अब इसे फिर से इसे गूंदेंगे। तो ये आटा फिर से हम बना रहे हैं, गूंद रहे हैं। तो ये हमने पलट रहे हैं इस वाली मक्की को, ये देखिए गाइस। तो ये देखिए कितनी जल्दी जो है इसमें पकती है ये गाइस। आग भी ठीक चली होनी चाहिए नीचे, इसे गैस पर भी बना सकते हैं, पर गैस पर वो फ्लेवर नहीं आता, तो चूल्हे पर बनाते हैं इसे। तो ये देखिए गाइस, इसे फिर से हम वैसे ही मसलेंगे इसे,
और फिर से तैयार करेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा और आटा ऐड कर लिया था हमने, वो जो साइड में ढेरी लगा रखी है उस साइड से, तो उसमें से थोड़ा आटा और, तो ये फिर से हाथों में पानी लगा लगा के ये अब इतने का फिर से बनाएंगे जो है रोटी इस तरह से गाइस। अब देखिए गाइस, इसे यहाँ नीचे जो है इस आग में रख के सेकेंगे इसे, ये जो चपा ऊपर रखी हुई है इसे वहाँ से उठाकर ऐसे आग पर सेकेंगे गाइस। तो ये रख दिया, उसकी जो वो रेड रेड जैसी होगी उसको आगे कर कर उस पर ये इस तरह से रख कर इसे राउंड एंड राउंड कर कर तो देखो गाइस वो फूल रही है, वो देखो गाइस वो फूल गई, कितनी अच्छी से सारी फूल गई गाइस। मक्की की रोटी गाइस, पहली बार फूली हुई मक्की की रोटी देखिए गाइस। तो ये और जो है वो जो कोयले टाइप बन जाते हैं वो निकाल कर उस पर इसे सेक रहे हैं ऐसे रोटेट कर कर कर, तो आप देखिए कितनी अच्छी फुलावट जो है उसमें आ गई है गाइस। तो देखिए तो ये देखिए गाइस कितनी अच्छी से ये दूसरी गाइस ऊपर डाल दी है और एक ऊपर एक नीचे बन रही है, तो ये बन गई हुई है गाइस, ये पक गई है बिल्कुल अच्छे ढंग से। तो ये देखिए कितनी अच्छी वो गई हमारी मक्की की रोटी। ये देखिए गाइस ये है हमारी मक्की की रोटी। तो गाइस बहुत गर्म है, तो ये देखिए तो ये देखिए गाइस मक्के की रोटी गरम गरम या गए पीछे से भाई गर्म है बहुत बहुत गर्म। ये दूसरी बन रही है और ये देखिए गाइस अब थोड़ा सा और आटा जो है हमने इसमें मिक्स कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो ये इसे फिर से हम जो ऐसे गूनेंगे मिक्स करेंगे अच्छे से, इसे जो हम अपना बेस जो तैयार कर रहे हैं तो ये ऐसे, और ये देखिए इसे पलट रहे हैं, ये पलट दिया और ये पानी हाथ में लगाकर फिर से ये ऐसे ऐसे उसे मसल देंगे और मसल के अब ये जब ऐसे हो गया अब यहाँ से ऐसे तोड़कर जो है फिर से रोटी तैयार। Yeah,
आपके पास मक्के की रोटी और शलगम की सब्जी। तो गाइस तरी वाली सब्जी के साथ जो है मैं ये खाऊंगा, और मैंने सॉस भी रखा है। तो इसके साथ जो है ये बहुत टेस्टी लगती है मक्के की रोटी चूर कर, ऐसे बहुत मज़ा आता है। देखो साथ में आग, हा हा हा, ठंड में सेकेंगे, साथ में गरम गरम रोटी बन रही है और हम साथ में खाएंगे और हमारी माता श्री बनाएंगे।